अच्छा एक और मजे की बात आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करना चाहिए, ये जहां कोई नेमत उलमा को मिल रही होती ना, मौलवी लोगों को, तो उसमें खुद को शामिल करने के लिए बोल देते हैं फर्क ना करो, लेकिन जहां सैलरी उठानी होती है, तनख्वाह उठानी होती है, 1,00,000 रुपया, 2-2 लाख रुपया, एक डॉक्टर की ये फीस होगी, इंजीनियर की एक फीस होगी, वकील की फीस होगी, वहां कहेंगे कि नहीं, वो फर्क है, दीनी वो तो मौलवी है, उसको क्या मिलना चाहिए, तो वहां फौरन फर्क की लकीर खींच देंगे फौरन, अरे वो तो मौलवी है, उसको काहे को देखो भाई, और ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इसकी हाई फीस होनी चाहिए। तो जब पैसा लेना हो, पब्लिक से पैसा वसूलना हो, है उनकी जेब खाली करना हो, तब कहो कि दीनी इल्म अलग है, दुनियावी इल्म अलग है। और जब मौलवी की बात आए, अरे वो असला फ्री में काम करते थे, दिन का पैसा नहीं लेना चाहिए, कुरान पढ़ने का पैसा नहीं लेना चाहिए, इमामत का पैसा नहीं लेना चाहिए, तदरीस करने का पैसा नहीं लेना चाहिए, अल्लाह के बंदे क्या हो गया आप में? जब पैसा लेने देने की बात आती तो फर्क कर लेते हो कि मौलवी को पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो दीनी इल्म है उसके पास, डॉक्टर को पैसा लेना चाहिए दुनियावी इल्म, या कैसे फर्क कर दिया आपने? आप जब ये कह रहे हो कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम में कोई फर्क नहीं है, तो जो फीस डॉक्टर की वही फीस दो ना मौलवी को, जो फीस इंजीनियर की वही फीस लगाओ उसकी, अगर कोई फर्क नहीं है तो जब लेना होगा पैसा, ऐंठना होगा तो फर्क कर दोगे। तो ये दोगली पॉलिसी है, ये गलत बात है, मुनाफकत है। हाँ, कि जब मौलवी की कहीं कोई तारीफ कर दे और उसके हक में कोई फजलत की बात आ जाए, अच्छी बात आ जाए, तो कूद के आ जाओ तुम भी शामिल हो जाए, भाई फर्क मत करो हम भी आलिम है। हाँ, और जहां पैसा लेना है उसको छाड़ के बेचारे को साइड कर दो, नहीं नहीं ये तो दीन का है भाई, हाँ ये तो धार्मिक आदमी है, इसको हटाओ उसको, और हम दुनियावी जो है असली तालीम याफ्ता है, हमारा स्टेटस अलग है। तो ये मुनाफकत है हकीकत में, अगर बाकी तुम फर्क मिटाना चाहते हो मिटा दो, हर जगह मिटा दो। तो ये बहरहाल मैं कहना ये चाहता कि ये जो शोशा लोग शुरू करते हैं या पेश करते हैं और ये नारा लेके चलते हैं कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये हमेशा से फर्क है और फर्क रहेगा और रहना चाहिए। हाँ, ये फर्क करने का ये मतलब नहीं है, ये मकसद हमारा नहीं है फर्क करने का कि हम उनकी कोई तौहीन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हराम है दुनियावी तालीम, नहीं, बल्कि आज के जमाने में तो हम कहते हैं कि भाई कौम को तरक्की देने के लिए, समाज को तरक्की देने के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और हर शोबे में जाए, साइंटिस्ट बने, ताकि वो अपना भला करे, कौम का भला करे, और इस नियत से आदमी जाता है तो उसको सवाब भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये माना नहीं कि आप दीनी तालीम हासिल मत करो, आप डॉक्टर हो, जो कुछ हो आप बनो, कोई कौन रोकता है, लेकिन साथ में आप ये ना समझो कि अब हमारे पास ये इल्म आ गया तो अब दीनी इल्म लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी है, कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है भैया, आपने बड़े से बड़े आप साइंटिस्ट बन गए लेकिन आपके पास दीनी इल्म नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।